सबको नमस्कार। जनसरोकार मंच टॉक आज कविता पाठ और संवाद कार्यक्रम में मैं आप सबके सामने अपने कुछ स्वरचित रचनाएं लेकर हाजिर हूँ। मैं कोई जाना माना कवि नहीं हूँ। मैं कुछ अपने इर्द गिर्द अपने परिवेश की, जैसे मेरे माँ है, पिता है, बेटा है, बेटी है, घर है, परिवार है, बचपन है, अर्धांगिनी है, मेरे शिक्षक हैं, मेरा समाज है, मेरा देश है, मेरे किसान हैं, इन सब के बारे में थोड़ा मैंने चिंतन किया है। जैसा मेरे से बन पड़ा है मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ और ये सब रचनाएं आज इस मंच के माध्यम से मुझे बड़ा ही हर्ष का विषय है मेरे लिए कि मैं आपके सामने रख पा रहा हूँ। इस कार्यक्रम की मैं शुरुआत करूँ तो मैं शारदे वंदना के माध्यम से कार्यक्रम की शुरुआत करना चाह रहा हूँ। ये मेरी स्वरचित शारदे की वंदना है। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू मेरा जीवन संवार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू मेरा जीवन संवार दे माँ। हर रोज पुकारूं मैं तुझे माँ, हर रोज पुकारूं मैं तुझे माँ, कंठ में दिव्यता प्रदान कर माँ, कंठ में दिव्यता प्रदान कर माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू मेरा जीवन संवार दे माँ। मीठे स्वर का वरदान दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तेरे दास की सुन ले अरदास माँ, तेरे दास की सुन ले अरदास माँ, मैं तेरा पर है मेरा विश्वास माँ, मेरा तेरे पर विश्वास है माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू मेरा जीवन संवार दे माँ। कोकिल स्वर और दो मधुर ताल माँ, कोकिल स्वर और दे मधुर ताल माँ, इस अबोध का कर तू माला माल माँ, इस अबोध को कर तू माला माल माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू मेरा जीवन संवार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, तू मेरा जीवन संवार दे माँ। ये शारदे वंदना स्वरचित थी और अब शारदे वंदना के बाद में मैं मेरा आज कविता पाठ जो अभी 15 अक्टूबर को हमारे जनता के राष्ट्रपति जिनको कहा जाता है कलाम साहब, उनके जन्मदिन पर मैंने एक कविता लिखी थी और उसका शीर्षक यही था, जनता के राष्ट्रपति कहलाए। कलाम साहब को हमने देखा भी है, उनको सुना भी है, तो मेरे वो उस दिन कलाम साहब के बारे में कुछ लिखने का मैंने प्रयास किया है, वो आपके सामने रख रहा हूँ। अब प्रस्तुत है कलाम साहब के ऊपर मेरी एक स्वरचित कविता। स्वर्णिम इतिहास का आज है महान दिन, स्वर्णिम इतिहास का आज है महान दिन, मिसाइल मैन जन्मा था आज ही के दिन।
मिसाइल मैन जन्मा था आज ही के दिन। मन में सोचा था देहरादून जाकर वायुयान चालक बन जाऊंगा। मन में सोचा था देहरादून जाकर वायुयान चालक बन जाऊंगा, पर नियति कुछ और ही चाहती थी, ये नहीं था मंजूर। पर नियति कुछ और ही चाहती थी, ये नहीं था मंजूर। नौका चलाकर समाचार पत्र बांटकर पाई थी जिसने शिक्षा। नौका चलाकर समाचार पत्र बांटकर पाई थी जिसने शिक्षा, गंगा गीता व स्वामी शिवानंद से। गंगा गीता वो स्वामी शिवानंद से पाई थी जिसने दीक्षा। विद्वता को देखकर, योग्यता को देखकर दूसरे देशों ने खूब ललचाया था झूठ पे झूठ बोलकर। खूब ललचाया था झूठ पे झूठ बोलकर, पर उनके मन में देश सेवा भरी थी कूट कूट। देश में रहकर ही देश सेवा का वर्त धारा। मेरा देश अग्रणी देशों की सूची में हो, मनमति ये विचारधारा। मेरा देश अग्रणी देशों की सूची में हो, मनमति ये विचारधारा। पृथ्वी अग्नि आकाश मिसाइल बनाकर मिसाइल मैन कहलाए। पृथ्वी अग्नि आकाश मिसाइल बनाकर मिसाइल मैन कहलाए। अविवाहित रहकर सारे देश को माना है अपना परिवार। अविवाहित रहकर सारे देश को ही माना है अपना परिवार। आखिरी दम तक भी देश के बच्चों को देते रहे सुविचार। कलाम साहब का जब मरण उनकी अंतिम समय था, उस समय भी वह व्याख्यान दे रहे थे, तो मरते दम तक भी बच्चों को देते रहे सुविचार। सभी धर्मों जातियों व ग्रंथों को मानते थे अपना। बच्चों अनाथों व गरीबों की सेवा ही कोई धर्म मानते थे अपना। बच्चों से गरीबों व अनाथों की सेवा को ही मानते थे धर्म अपना। इसीलिए सबसे बड़ी उपाधि के हकदार कहलाए जनता जनार्दन के राष्ट्रपति कहलाए। ऐसी रचना कलाम साहब के अभी 15 अक्टूबर का जो जन्मदिन था उस दिन मैंने ये लिखी थी, अभी आपके सामने प्रस्तुत है। इसी तरह 2 अक्टूबर को हमारे पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और हमारे सच्चे और प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री जी की, दोनों की जयंती है, तो उस दिन भी मैंने कुछ रचनाएं। इसी तरह 2 अक्टूबर को भी हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी और पूज्य राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिन था, तो उस दिन भी मैंने कुछ एक रचना कविता जिसका शीर्षक दिया था मैंने, देश को विकासशील से विकसित बना लो। इसके बारे में कुछ मेरे विचार थे, प्रस्तुत है। वैसे तो हर दिन ही होता है बिरला, पर 2 अक्टूबर का दिन है बड़ा निराला हमारे देश के लिए। पर 2 अक्टूबर का दिन है बड़ा ही निराला। इस दिन दो महान विभूतियों का हुआ था अवतरण। दोनों की राष्ट्र सेवा बनी उदाहरण। खप गए मिट गए जन जन के लिए, सदा अहम को त्यागा परोपकार साधने के लिए। सादा जीवन उच्च विचार, ये था नारा। जन जन के हो गए नैनों के तारा। एक ने अहिंसा की दिखलाई ताकत, शांति भाईचारा की बनाई हिम्मत, तो दूसरे ने शांति और भाईचारे को बनाई हिम्मत। कैसे बिना सत्ता और पद के बने लीडर, जनता को बनाया साहसी और निडर। न तो पहले हुई थी ऐसी दिव्य आत्मा और न अब हो पाएगी ऐसी दिव्य आत्मा। दोनों को ही अमर बना दिया आवाम ने। जब तक दुनिया है याद रहेगा इनका पैगाम। जिनके सत्य ईमानदारी बसी थी रोम रोम में
जिनके सत्य ईमानदारी बसी थी रोम रोम में, एकता का संदेश दिया सारी कौम कौम में, एकता का संदेश दिया सारी कौम कौम में। दिखते थे बहुत सरल सच्चे और सीधे, दिखते थे बहुत सच्चे सरल और सीधे, अपने आत्मबल से, अपने आत्मबल से अच्छे अच्छों को करते थे सीधे, अच्छे अच्छों को करते थे सीधे। देश आजाद हुआ सबने आजादी देखी, देश आजाद हुआ सबने आजादी देखी, पर सच्चे मायनों में आजादी की हुई अनदेखी, पर सच्चे मायनों में आजादी की हुई अनदेखी। गरीबी गरीब अमीर की खाई बढ़ती ही गई, गरीब अमीर की खाई बढ़ती ही गई, मेरे देश में वर्ग जाति धर्म नफरत बढ़ती ही गई, मेरे देश में वर्ग जाति धर्म नफरत बढ़ती ही गई। अब भी उनके स्वराज व ग्राम आत्मनिर्भरता को समझकर अपना लो, अब भी उनके स्वराज और ग्राम आत्मनिर्भरता को समझकर अपना लो, देश को विकासशील से विकसित बना लो, विकसित बना लो। ये मैंने 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन, शास्त्री और गांधी जी जयंती के दिन मैंने लिखने का प्रयास किया है। और इस तरह की छोटी छोटी कविताएं मैंने अभी तक लगभग 45 कविताएं मैंने रची है, और मैं चाहता हूं कि इन सब कविताओं को एक संकलन हो, एक पुस्तक में मैं इनका संकलन करवाऊंगा। और इस तरह मैं अन्य साथियों से भी मेरी ये अपील रहती है कि आप इस तरह से अपनी रचनाएं अगर हम शुरू करेंगे, क्योंकि ये छोटे छोटे मंच ही हमें इस तरह का प्रोत्साहन और सम्मलन देते हैं। तो इसी कड़ी में एक विश्व बालिका दिवस था 11 अक्टूबर को, ये सारी रचनाएं मैंने अक्टूबर महीने की रचित रचनाओं को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। विश्व बालिका दिवस जो 11 अक्टूबर को था, उस दिन भी मैंने एक शीर्षक आदि आबादी की खुशी, आदि आबादी की खुशी के नाम से एक मेरी मौलिक रचना है, कविता, उसको मैंने लिखा है। वो मैं चाहता हूं कि आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूं। आदि आबादी की खुशी, विश्व बालिका दिवस पर जो रचना लिखी वो मैं आपको सुना रहा हूं। आदि आबादी की खुशी, लो आज फिर आया, लो आज फिर आया विश्व बालिका दिवस। इसकी शुरुआत सन 2012 से हुई हर वर्ष, विश्व बालिका दिवस 2012 से मनाया जाता है। बालिकाओं को जीवन में जीने में न आए बाधा, बालिकाओं को जीवन जीने में न आए बाधा, करे अपना पूर्ण विकास, करे अपना पूर्ण विकास, यूनिसेफ ने यह संकल्प साधा, यूनिसेफ ने यह संकल्प साधा। आज हो गई बेटियां, आज हो गई बेटियां एक कदम बेटों से आगे, अब हर काम करती है बेटियां खतरे से कभी नहीं भागे, अब हर काम करती है बेटियां खतरों से कभी नहीं भागे। जल थल नभ में, जल थल नभ में कर रही है अपना नाम, देने दो अपने सपनों को उड़ान, देने दो अपने सपनों को उड़ान, मत खींचो इनकी लगाम, मत खींचो इनकी लगाम। उनमें कम नहीं है हौसला और ताकत, उनमें कम नहीं है हौसला और ताकत, बस उनको चाहिए हम सबकी हिम्मत, बस उनको चाहिए सभी से हिम्मत। पर अभी भी भेदभाव घरेलू हिंसा का होती है शिकार, पर अभी भी भेदभाव और घरेलू हिंसा का होती है शिकार। कभी पराई अमानत समझकर मत समझो बेकार, पराई अमानत समझकर मत समझो बेकार, अमानत नहीं है, अमानत नहीं वह हमारा अभिमान है, अमानत नहीं वह हमारा अभिमान है, उनकी उन्नति विकास पर ही हमें गुमान है, उनकी उन्नति और विकास पर ही हमें गुमान है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, शिक्षा से उनमें आत्मविश्वास बढ़ाओ, हर समस्या चुनौती को ललकार सके, जब आत्मविश्वास बढ़ेगा तो हर समस्या चुनौती को ललकार सके। भर दो ऐसा आत्मबल, भर दो ऐसा आत्मबल अपने अधिकारों को ले सके, अपने अधिकारों को ले सके। उनकी खिलखिलाहट में ही सबकी है खुशी, उनकी खिलखिलाहट में ही सबकी है खुशी। आधी आबादी खुश रहेगी, आधी आबादी खुश रहेगी तो चौं और होगी खुशी, तो चौं और होगी खुशी। इस तरह से ये विश्व बालिका दिवस पर
ठीक है, रचना थी आदि आबादी की खुशी, और इस तरह की काफी छोटी छोटी रचनाएं मैं आलेख भी लिखे हैं और कुछ इस तरह की कविताएं लिखी है, कुछ छोटे छोटे प्रेरक प्रसंग भी हैं, कुछ हमारे जीवंत अनुभव, कुछ पुस्तक चर्चा है। इस तरह से इस कोरोना काल को मैं अपने आप को मानता हूं कि एक मेरी जो हॉबी थी उसको मैंने रचनात्मकता का रूप दिया है, और इस सब में आप सब लोगों का, जितने भी मेरे प्रेरणादायी प्रेरणा पुंज है, सबका बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूं कि आपकी प्रेरणा से मैं मेरा इस तरह का रचनाएं और कार्यक्रम प्रस्तुत कर पा रहा हूं। इस तरह का ऑनलाइन कार्यक्रम मैंने 2 बार आउट ऑफ स्टेट उत्तर प्रदेश शैक्षिक समूह में भी रखा था। तो इस तरह हर दिवस, हर जयंती, हर पर्व हमारे देश को वैसे ही त्योहारों का देश कहा जाता है। तो एक अभी अजमेर से साहित्य समाज नाम की एक पुस्तक निकली थी, और उसमें 5 शब्द दिए गए थे, भारत, गंगा, चाणक्य, इस तरह से। तो उन 5 शब्दों का प्रयोग करते हुए एक कविता बनानी थी, और उस कविता को उन पुस्तक बनाई है उन्होंने, उसमें वो कविता छपी भी है मेरी। हमारे यहाँ से ममता जी थे, संदीप जी थे, और भी हमारे 4-5 नाम उसमें थे। तो उन शब्दों को लेते हुए मैंने एक कविता बनाई है, और उसका शीर्षक दिया था हिंदुस्तान का झंडा। ओ हिंदुस्तान के हिंदुओं, ध्यान से सुन लो कहानी। ओ हिंदुस्तान के हिंदुओं, ध्यान से सुनो कहानी, तुम्हें सुनाता हूं आज भारत की कहानी। आर्यवर्त के आर्यों, सनातन धर्म की संतान, तुम्हारी भी लेते हैं आज इम्तिहान। आर्यवर्त के आर्यों, सनातन धर्म की संतान, तुम्हारी भी लेते हैं आज इम्तिहान। गुरु संदीपन रैदास व चाणक्य, गुरु संदीपन रैदास व चाणक्य, तीनों गुरुओं को तीनों लोकों में आधिक्य, तीनों गुरुओं का तीनों लोकों में आधिक्य। भारत में 5 नदियों का संगम पंजाब कहलाता, चाहे भागीरथी गंगा कहो है जीवनदाता, चाहे भागीरथी गंगा कहो है जीवनदाता। मेरे देश की वह शक्ति है जिसमें समाये हर तरह की भक्ति, मेरे देश की वह शक्ति है जिसमें समाये हर तरह की भक्ति। जब जब भी दुश्मनों ने की है कोशिश, जब जब भी दुश्मनों ने की है कोशिश, खानी पड़ी मुंह की हर वक्त हुई है टीस। लो आज दुनिया में नाम है भारत देश का चौं ओर, लो आज दुनिया में नाम है भारत देश का चौं ओर। सभी शत्रु बैठे हैं मन मार कर हर ओर, सभी शत्रु बैठे हैं मन मार कर हर ओर। वह दिन दूर नहीं, वह दिन दूर नहीं, जब भारत देश का झंडा दुनिया में पूजेगा हमारा झंडा और डंडा, दुनिया में पूजेगा हमारा झंडा और डंडा। इस तरह की ये एक छोटी सी कविता थी जो हमने इस शीर्षक पे रची थी। कुछ लिखते और कुछ चिंतन करने पर हमारे आसपास समाज के कुछ वर्गों की कुछ चिंतन भी होता है। तो इस पे एक धरती पुत्र के नाम से शीर्षक किसान की एक कविता मैंने लिखी है, क्योंकि अभी किसान आंदोलन चल भी रहा था, तो उस पे कुछ पंक्तियां मैंने बनाने की कोशिश की है। इस किसान के दर्द को मैंने सजाने की कोशिश की है, तो इसका शीर्षक दिया था मैंने धरती पुत्र। चलो आज बात करते हैं, चलो आज बात करते हैं धरती पुत्र बलिदानी की। स्वयं शीत ताप सब सहता है, कभी ना नुकर नहीं करता है, स्वयं शीत ताप सभी सहता है, कभी ना नुकर नहीं करता है। जो देश की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार, जो देश की अर्थव्यवस्था का है मुख्य आधार, पर खुद की नाव है मझधार, पर खुद की नाव खड़ी है मझधार। एक दो नहीं परेशानियों का है तांता, एक दो नहीं परेशानियों का है तांता। ऋण में ही पैदा होता कभी उऋण क्यों नहीं होता, ऋण में ही पैदा होता कभी उऋण क्यों नहीं होता। उसको लूटते बाजार और व्यापारी, उसको लूटते बाजार और व्यापारी, पर आहा नहीं करता उसका उसकी है लाचारी, पर आहा नहीं करता उसकी है लाचारी। उसकी आहा को कम मत आंकना, ये इसमें एक थोड़ा लहजा है, उसकी आहा को कम मत आंकना। उसने कर दिए हाथ खड़े तो, उसने कर दिए हाथ खड़े तो अन्न के लिए ताकना। अब भी उसके बलिदान को सम्मान दो, अब भी उसके बलिदान को सम्मान दो, नहीं तो वह दिन दूर नहीं
जब पैसा तो होगा पर पेट में दाना नहीं होगा, पैसा तो होगा पर पेट में दाना नहीं होगा। किसान की व्यथा को मत लो अन्यथा, किसान की व्यथा को मत लो अन्यथा, ध्यान से सुन लो उसकी कथा और गाथा, ध्यान से सुन लो उसकी कथा और गाथा। अगर टूट गया धैर्य उसका, अगर टूट गया धैर्य उसका, डूब जाएगा हर फूल चमन का, डूब जाएगा हर फूल चमन का। अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी देर नहीं हुई है, कर लो उसकी आई को भी पक्का, कर लो उसकी आई को भी पक्का। वह रहेगा खुश, वह रहेगा खुश तो दुनिया भी रहेगी खुश, तो दुनिया भी रहेगी खुश। इस तरह से कुछ पंक्तियों के माध्यम से किसान के दर्द को लिखने का प्रयास किया है, और आप सभी के हरि की जो कविता है, हमारे रामचरण जी सर ने उसकी डिमांड भी की है, तो वह कविता मैं आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। उसको मैंने, मेरी बेटी का जन्मदिन था उस दिन लिखने की कोशिश की थी, और उसका नाम दिया था मैंने अभिलाषा, बेटी के जन्मदिन पर लिखा था। तू मेरी तन की तनैया है, तू मेरे तन की तनैया है, तेरे रोम रोम में खुशबू है मेरी। तू मेरे तन की तनैया है, तेरी रोम रोम में खुशबू है मेरी। तू तनैये से भी तेज तर्रार है, तू तनैया तनैये से भी तेज तर्रार है, पर समाज में तेरे मान की रार है, पर समाज में तेरे मान की रार है। अब तू बदल बदला है समय, समय के साथ तू भी हो निर्भय, समय के साथ तू भी हो निर्भय। तुझे हर प्रण और प्रतिज्ञा को जिद और हठ से पूरी करनी है। मत गिरने देना आत्मविश्वास को, मत गिरने देना आत्मविश्वास को। कदम कदम पर मेरा साथ रहेगा तेरे विश्वास को, कदम कदम पर मेरा साथ रहेगा तेरे विश्वास को। तुझे हर भूमिका में बेटी बहू व माता की, हटाना है सामाजिक बेड़ियों की बाधा को, हटाना है सामाजिक बेड़ियों की बाधा को। आ पकड़ ले हाथ रब का कसकर, कितने ही झंझावत आए तेरे सामने भयंकर, कितने ही झंझावत आए तेरे सामने भयंकर। पर हमेशा डटी रहना, सिर पर बांध सेरा, बांधे सिर पर सेरा। सबका जर्रा जर्रा कह उठे, सबका जर्रा जर्रा कह उठे, वाह वाह तेरा सेरा। घर ससुराल सब में तनैया तेरा ही हो बासा, ऐसी मेरी तन मन की अभिलाषा, ऐसी मेरी तन मन की अभिलाषा। ये एक मेरी बेटी का जन्मदिन था, उस दिन मैंने 20 सितंबर को ये कविता लिखी थी अभिलाषा शीर्षक से। तो आज हमारा जो संवाद और कविता पाठ कार्यक्रम था, उसमें लगभग मेरे पास 44-45 कविताएं हैं, लेकिन कुछ चुनिंदा और कुछ समय की नजाकत को देखते हुए मैं कुछ चुनिंदा कविताएं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। थोड़ा समय के हिसाब से कुछ आप लोगों को, क्योंकि अब आजकल ऑनलाइन काफी चर्चाएं होने लग गई, काफी लोग जुड़ते हैं काफी समय, इसलिए समय का ध्यान रखते हुए फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको एक, अभी नवरात्रा चल रहा है, नवरात्रा को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं, व्हाट्सएप पे भी आते हैं, इस नवरात्रा का क्या महत्व है। धार्मिक रूप से भी बातें होती है, लेकिन मैंने कुछ इसको अन्य रूप से लिया है, आप इसमें देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से इसको कुछ पंक्तियों के माध्यम से मैंने लिखने का प्रयास किया है। नौ रातों का समूह कहलाता है नवरात्र, नौ रातों का समूह कहलाता है नवरात्र। दिन के बजाय रात का महत्व, इसको अपन नौ दिन नहीं बोल सकते, नवरात्रा बोलते हैं, इसलिए दिन के बजाय रात का महत्व ज्यादा बताता है नवरात्र। रात का समय शांत और निर्बाध, दिन के बजाय आवाज भी रात को ज्यादा होती है आबाद। हम देखते हैं अगर आवाज भी लगाएं, अपन किसी को बुलाएं आवाज दें, तो रात में ज्यादा दूर तक पहुंचती है।
वर्ष में चार संधि काल, वर्ष में चार संधि काल पर होते हैं चार नवरात्रा, दो गुप्त होते हैं, दो विशेष है नवरात्रा। नवरात्रा के साथ ही शरीर में भी है नवद्वार। नवरात्र शुद्धि पर्व है, नवरात्र शुद्धि पर्व है, सुचारू रहे हमारे नवद्वार। शरीर की शुद्धि करते हैं वैसे तो हम हर दिन, शरीर की शुद्धि करते हैं वैसे तो हम हर दिन, पर वर्ष में दो बार चलता है, पर वर्ष में दो बार चलता है विशेष अभियान नौ दिन, पर वर्ष में दो बार चलता है विशेष अभियान नौ दिन। सात्विक आहार वह नियमों से करते हैं भक्ति, सात्विक आहार वह नियमों से करते हैं भक्ति। शरीर से उदय होती है जीवन की शक्ति, शरीर से उदय होती है जीवन की शक्ति। संधि काल में मौसम के बदलाव से, संधि काल में मौसम के बदलाव से बढ़ती है व्याधि और रोग, बढ़ते हैं व्याधि और रोग। नवरात्रा में शारीरिक व मानसिक, नवरात्रा में शारीरिक व मानसिक बल ले रहते हैं हम सब निरोग। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का है निवास, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ बुद्धि का है निवास। नवरात्र में भक्ति भाव से सभी करते हैं उपवास, नवरात्र में भक्ति भाव से सभी करते हैं उपवास। वैज्ञानिकता के साथ साथ विवेकपूर्ण है नवरात्र पर्व, वैज्ञानिकता के साथ साथ विवेकपूर्ण है नवरात्र पर्व। ऐसी हमारी संस्कृति अध्यात्म हमें है गर्व, ऐसी हमारी संस्कृति अध्यात्म पर हमें है गर्व। इस तरह से मैंने नवरात्र पर्व को शारीरिक शुद्धि के नाम से और इसके महत्व को प्रतिपादित करने की कोशिश की है। कल 25 तारीख को दशहरा था और अभी आज हमारे मनोज जी सर ने कमेंट्स भी किया था कि वास्तव में 10 हरे पेड़ अगर दशहरे के दिन लगाते हैं तो बहुत इसकी सार्थकता महत्व और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह के रचनात्मक, तो इस तरह से अभी जो दशहरा 25 अक्टूबर को, उसके बारे में भी मैंने थोड़ा चिंतन किया और वास्तव में इस पर्व के जो हम परंपरा निभा रहे हैं उसके पीछे थोड़ा सा चिंतन अगर हम कर लें तो परंपराएं अच्छी है, परंपराएं सारी बुरी भी नहीं होती है, अच्छाइयां भी होती है, लेकिन कुछ समय अनुसार उनमें कुछ अगर बदलाव करते हुए हम नई परंपराएं भी बनाएं, नए नियम नए रीति रिवाज भी बने तो और सबके लिए फायदेमंद रहते हैं। इसी सोच के साथ एक कविता मैंने कल लिखी थी कि रावण ही क्यों जलाओ अपने खुरापात, ये इसका शीर्षक था, रावण ही क्यों जलाओ अपने खुरापात। रावण जलाओ खूब जलाओ, खूब जलाओ, गांव में जलाओ, शहरों में जलाओ, रावण जलाओ, रावण जलाओ, गली में जलाओ, चौराहे पे जलाओ, रावण जलाओ, खूब जलाओ। स्वयं के अहंकारी रावण को कब जलाओगे, एक प्रश्न है कि स्वयं के अहंकारी रावण को कब जलाओगे। एक बार अपने आप से पूछ लो, एक बार अपने आप से ये भी पूछ लो, सभी गुनाहों की आत्मा है गवाह, सभी गुनाहों की आत्मा है गवाह, एक बार उसको भी तोल लो, अपने गुनाहों को भी देख लो और उनको भी तोल लो, एक बार उनको भी तोल लो। इस दशहरे से ही, इस दशहरे पर करो अच्छी शुरुआत, इस दशहरे पर करो अच्छी शुरुआत। रावण को ही क्यों जलाओ अपने खुरापात, रावण को ही क्यों जलाओ अपने खुरापात। जब जलेंगे सभी के खोटे कर्म, जब जलेंगे सभी के खोटे कर्म, जब ही समझ में आएगा दशहरे का मर्म, जब जलेंगे सबके खोटे कर्म, जब ही समझ में आएगा दशहरे का मर्म। ये दुनिया भरी है जालिमों और सितमों से, ये दुनिया भरी है जालिमों और सितमों से, सभी पूछो अपनी आत्माओं से, रात दिन लगे रहते हैं, रात दिन लगे रहते हैं स्वार्थों की पूर्ति करने में, हर पर्व त्योहार पर परंपराओं का निर्वाह करने में, हर पर्व त्योहार पर परंपराओं का निर्वाह करने में। खुदा से मत करो खुददारी, खुदा से मत करो खुददारी, सबके साथ करो बराबरी, सबके साथ करो बराबरी। राम थे आज्ञाकारी, राम थे आज्ञाकारी, तो रावण था अहंकारी, रावण था अहंकारी। इस तरह की ये दशहरे पे अभी 25 तारीख को इस रचना को मैंने भाव और रचना लिखी थी। तो इस तरह की एक कविता हाल ही में मैंने लिखी थी, विद्यालय और स्कूल का अंतर, उस पर कुछ कमेंट्स भी आए थे, कुछ मेरे पास फोन भी आए हैं
कि ये आपने इसको किस संदर्भ में लिखा है, क्या इसका अर्थ है। तो मैंने सोचा कि आज थोड़ा सा इसको मैं स्पष्ट कर दूं। विद्यालय अपने हिंदी और स्कूल हमारे अंग्रेजी जो वर्ड है, दोनों का अर्थ वही है, मदरसा पढ़ने वाले, मकतब, कुछ भी कहो आप। लेकिन यहां मेरा जो भाव था इसके पीछे लिखने का, ये भाव था कि अंग्रेजी मीडियम में हम बच्चों को जो अंग्रेजी पढ़ाना बुरी बात नहीं है, अंग्रेजी पढ़ाना भी चाहिए, समय की मांग भी है। लेकिन मेरा इसमें इतना सा कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाने के साथ अगर हम हिंदी भूल रहे हैं, हमारे हमारे परिचितों को भूल रहे हैं, हमारे आदर सम्मान, हमारे संस्कार को भूल रहे हैं, तो फिर वो स्कूल सही मायने में विद्यालय नहीं है। इतना सा मेरा इसमें था, तो कुछ मैंने इसमें कोशिश की है। विद्यालय और स्कूल का अंतर आप भी थोड़ा देखने का प्रयास करेंगे। विद्यालय और स्कूल का अंतर आया आज मुझे समझ में। विद्यालय और स्कूल का आया आज अंतर मुझे समझ में। व्यक्ति को जो शिक्षा दे वह विद्यालय, और उसे सिर्फ साक्षर बनाए वह स्कूल। उसे सिर्फ साक्षर बनाए वह स्कूल। व्यक्ति को दूसरों के दर्द को समझकर, दूसरे के दर्द को समझकर हल्का करने की महारत देता है विद्यालय। जो साक्षर करके डिग्रियों के नीचे दबाता है, जो साक्षर करके डिग्रियों के बोझ से दबाता है, वह है स्कूल। संवेदनशील बनाता है विद्यालय, संवेदनहीन बनाता है स्कूल। संवेदनशील बनाता है विद्यालय, संवेदनहीन बनाता है स्कूल। दूर खड़े व्यक्ति के पास जाने का हुनूर देता है, दूर खड़े व्यक्ति के पास जाने का हुनूर देता है विद्यालय। अपने से जुड़े हुए से दूर करने का काम करता है, अपने से जुड़े हुए से दूर करने का काम करता है स्कूल। अपनों से बड़ों के चरण स्पर्श करना, अपनों से बड़ों के चरण स्पर्श करना सिखाता है विद्यालय। गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहना सिखाता है स्कूल, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कहना सिखाता है स्कूल। चरण स्पर्श में सम्मान होता है, ये मुझे विश्वास है। चरण स्पर्श में सम्मान होता है, ये मुझे विश्वास है। अभिवादन में सम्मान नहीं है, ये भी मुझे विश्वास है। क्योंकि जब हम गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग करें तो हमारे बॉडी लैंग्वेज का हमारा कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता है। चरण स्पर्श में हमारा जो सम्मान बनता है, उसमें हमारा बॉडी लैंग्वेज और हमारा कॉन्टेक्ट भी रहता है। तो इसको मैंने इसमें पोया है। अभिवादन में सम्मान नहीं है, ये भी मेरा विश्वास है। पुराने के साथ साथ नया सिखाता है विद्यालय, पुराने के साथ साथ, देखना ध्यान देके, पुराने के साथ साथ नया सिखाता है विद्यालय। नया सिखाता है पुराने को भुलाने के लिए, नया सिखाता है पुराने को भुलाने के लिए स्कूल। स्वयं के जैसा बनाता है, स्वयं के जैसा बनना सिखाता है विद्यालय। किसी और के जैसा बनना सिखाता है स्कूल। संस्कृति सरलता भुलाकर डिग्री देता है स्कूल। विद्यालय से ज्ञान प्राप्त होता है, विद्यालय से ज्ञान प्राप्त होता है, स्कूल से डिग्रियां प्राप्त होती है। आत्मीयभाव सहयोग सिखाता है स्कूल, अंग्रेजी भाषा सिखाता है स्कूल। ये जो आखिरी पंक्ति है, इसके मायने यहां यो नहीं है। यहां ये है कि अंग्रेजी स्कूल में अगर सूट बूट टाइट लगाकर जेंटलमैन बच्चा अपने माँ बाप से, अपने परिचितों से भी केवल दूर रहकर इस तरह से हाय हल्लो कर रहा है, तो निश्चित रूप से वह अंग्रेजी में महारत हासिल कर रहा है। लेकिन अपने जो हिंदी की जो मान सम्मान या संस्कार की बात है, जो परिचितों से गले लगकर मिलने की बात है, हृदय स्पर्श करना, मिलना जुलना, लिपटना, ये जो प्रेम के भाव है, इनसे अगर वह बच रहा है, इनसे दूर जा रहा है, अनजान बन रहा है, तो निश्चित रूप से वह ज्ञान, वह शिक्षा, उसकी संस्कारी शिक्षा हम उसको नहीं मान सकते। तो इस तरह से इस स्कूल और विद्यालय के अंतर को लिखने की कोशिश की है। और इसी तरह एक और कविता है कि शिक्षित ही नहीं दीक्षित बनो, शिक्षित ही नहीं दीक्षित बनो, ये इसका शीर्षक है। शिक्षित और दीक्षित के भेद को समझाने का प्रयास क्यों किया गया है, क्योंकि हमारे देश में शिक्षा के और पढ़े लिखे व्यक्तियों की संख्या दिनों दिन खूब होती जा रही है, लेकिन शिक्षित होना अलग बात है, और फिर उस शिक्षा को संस्कार बनाना या उसको दीक्षित व्यवहार में लाना, ये अलग बात है। तो इस तरह की हमने इसमें थोड़ा कोशिश की है, सुनेंगे आप। इंसान में नहीं है इंसानियत, इंसान में नहीं है इंसानियत, तो बढ़ती जाएगी हैवानियत। कितने शिक्षित हो, अगर इंसानियत नहीं है तो निश्चित रूप से हैवानियत बढ़ेगी। इंसान में नहीं है इंसानियत, तो बढ़ती जाएगी हैवानियत। सब जीवों में विवेकवान है इंसान, सब जीवों में विवेकवान है इंसान, पर ये क्यों हो जाता है हैवान?
विवेकवान है लेकिन फिर भी वो क्यों हो जाता है हेवान, लोभ लालच में स्वार्थ के खातिर, लोभ लालच में स्वार्थ के खातिर तनिक देह सुख के लिए, तनिक देह सुख के लिए होता है बदतर। इसकी घिनौनी हरकतों से होती है खिन्न, इसकी घिनौनी हरकतों से होती है खिन्न, रोज करता है करतूते ये भिन्न भिन्न। हम देखते हैं अखबारों में एक से बढ़कर एक तरह की खबरें आती है। अभी परसों के अखबार में तो कन्या पूजन के नाम से उस बेटी को ले जाकर उसके साथ कुकर्म के समाचार सुने थे। क्या हो रहा है इस देश के शिक्षित व्यक्तियों को, रोज करता है करतूते ये भिन्न भिन्न। डर खौफ से रहता है बेखौफ, डर खौफ से रहता है बेखौफ। कितने कानून बनाए, कितनी सजाएं कर दी हम, डर खौफ से रहता है बेखौफ। दरिंदगी गुंडागर्दी से क्यों नहीं करती आत्मा उफ, दरिंदगी गुंडागर्दी से क्यों नहीं करती आत्मा उफ। शिक्षा की दर बढ़ी पर अपराध नहीं बढ़ा, शिक्षा की दर बढ़ी पर अपराध नहीं बढ़ा। यहां तो सब कुछ हो गया उल्टा पुल्टा। हम कहते थे भाई शिक्षित कर देंगे, सबको पढ़ा देंगे, अधिक पढ़े लिखे होंगे तो, लेकिन देखते हैं आप जितने भी अपराध होते हैं उनमें पढ़े लिखे व्यक्ति ज्यादा पाए जाते हैं। हर अपराध करता है शिक्षित, हर अपराध करता है शिक्षित। शिक्षित तो किया पर नहीं किया दीक्षित, शिक्षित तो किया पर नहीं हो पाए दीक्षित। जब तक शिक्षा संस्कार नहीं बनेगी, जब तक शिक्षा संस्कार नहीं बनेगी, शिक्षित तो होंगे पर संस्कारित नहीं होंगे, शिक्षित तो होंगे पर संस्कारित नहीं होंगे। संस्कारित होना है जरूरी, यही है हमारी संस्कृति, संस्कारित होना है जरूरी, यही है हमारी संस्कृति। इसमें करोगे जितनी देर, इसमें करोगे जितनी देर, बढ़ती जाएगी विकृति, बढ़ती जाएगी विकृति। शिक्षित ही नहीं करना होगा, करना होगा सबको दीक्षित, शिक्षित ही नहीं करना होगा सबको दीक्षित। जब भी हम भविष्य में हो पाएंगे विकसित, जब भी हम भविष्य में हो पाएंगे विकसित। बहुत बहुत आभार नवल जी सर आपका, और नवल जी सर से भी मुझे बहुत मनोबल बढ़ा रहे हैं मेरा, बहुत उत्साहवर्धन करते हैं। और हर रविवार को शैक्षिक जो भारत सरोकार भारत मंच बना रखा है इन्होंने, बहुत ही अच्छे अच्छे व्यक्तियों के, और खुद भी है, कल भी इनका बहुत ही अच्छा वैज्ञानिकता दृष्टिकोण पे था लाइव। बहुत ही आभार सर आपका, आप समय निकाल कर पधारे। इस तरह अगर शिक्षक सोचने लग जाएंगे, इस तरह से अगर शिक्षक काम करने लगेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सही मायने में हम शिक्षित कर पाएंगे। इसी तरह से नई शिक्षा नीति पर भी मैंने एक राजस्थानी कविता लिखी थी, राजस्थानी बोल है इसके, और राजस्थानी तर्जमे में इसको सुनाना चाहूंगा, थोड़ा सा आप समझने का प्रयास करेंगे। नई शिक्षा नीति आई रे आई रे, 34 बरस बाद में मन हर्षाई रे। नई शिक्षा नीति आई रे 34 बरस बाद में मन हर्षाई रे। नई नीति 2020 में आरटी 2009 को भी रखियो छे ध्यान रे, पर आपा सब मिलकर ही इन्हें सफल बनावा रे। नीति कभी भी अगर हम सबका सहयोग नहीं होगा तो सफल नहीं हो सकती, पर आपा सब मिलकर ही इन्हें सफल बनावा रे। अब चोरा चोरी डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई करला सगला साथ साथ रे। अब इसमें फैकल्टी को भी नहीं रखा है, आप आर्ट्स के साथ में बायोलॉजी की गणित भी पढ़ सकते हैं, अर्थशास्त्र भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से अब छोरा छोरी डॉक्टर इंजीनियर की पढ़ाई करला सकला साथ साथ रे। पहले 3 साल की डिग्री मलची रे, पहले 3 साल में जो डिग्री मिलती थी अब हर साल बढ़ेगा मान रे। अब हमें प्रथम वर्ष में, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष में डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इस तरह से इसमें बनाया गया है। अब हर साल को बढ़े गोरे मान रे, वासु ज्ञान अच्छो आवचे, मातृभाषा में पढ़ा वासु ज्ञान अच्छो आवचे। छठी क्लास सुई मन की बात जान ला रे, नई शिक्षा नीति आई रे। व्यवसायिक शिक्षा की बात कर रहे हैं हम भाई, छठी क्लास से ही व्यवसायिक शिक्षा, तो मन की बात जान ला रहे। जो भी धंधो छे मन में उन्हें भी पढ़ाव ला रहे, चोरा भी पढ़सी चोरिया भी सब पढ़सी, समावेशन फंड बनावे ला रे, नई शिक्षा नीति आई रे। अब जीडीपी का 6% खर्च करवा ला रे, 318 साल तक आटा बरियारो रख लाई नीति में ध्यान रे, नई शिक्षा नीति आई रे, 34 वर्ष बाद में मन हर्षाई रे।
लगातार करेला उनको ज्ञान को बखान रे, अवलोकन की बात कर रहे हैं, बच्चे का लगातार सतत रूप से जो व्यापक शिशि जिसके चल रहा है, लगातार करेला उनको ज्ञान को बखान रे, हर जिला मुख्यालयों पर एक बड़ो बन लो शिक्षा संस्थान रे, प्राकृत पाली और पर्शियन भाषा को होगो उत्थान रे, नई शिक्षा नीति आई रे, नई शिक्षा नीति की बात छे बड़ी प्यारी रे, पर नीचे से ऊपर तक लागू होबो छे बड़ी भारी रे। हर नीति में ये एक बड़ी चुनौती रहती है, इसलिए इसमें लिखा गया है कि नई शिक्षा नीति की बात छे बड़ी प्यारी रे, पर नीचे से ऊपर तक लागू होबो छे भारी रे। सही अर्थ में होगी नीति लागू मनसू, सही अर्थ में नीति लागू होगी मनसू, तो भारत को सारा जग में बाज जागो डंको, तो सारा जग में भारत को बाज जागो डंको। ऐसी इस शिक्षा नीति के इसको मैंने समझाने का और इसको कविता का रूप देने का प्रयास किया है। मेरी एक कविता है जिसको अपना घर, हमारे यहाँ प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी सबको घर देने की, तो घर एक बड़ी आवश्यक चीज है। करोड़ों व्यक्ति ऐसे जिनके पास छत नहीं है, तो अपना घर का क्या महत्व होता है, ये एक रचना है। तो अब एक अपना घर कैसा होता है इस पे एक मेरा ये रचना है। पापा के द्वारा बनाया अपना घर, पापा के द्वारा बनाया अपना घर, अपना घर घर होता है, अपना घर घर होता है, जैसा भी हो पर प्यारा होता है, जैसा भी हो पर प्यारा होता है, कभी भी करो आना जाना, कभी भी करो आना जाना, नहीं बुनना पड़ता कोई ताना बाना, अपने घर आने के लिए नहीं बुनना पड़ता कोई ताना बाना, अपना घर घर होता है, अपना घर होता है सबसे प्यारा, खुशी प्रेम की बहती है रसधारा, खुशी प्रेम की बहती है रसधारा, नींद भी आ ही जाती है, नींद भी आ ही जाती है, चाहे बिस्तर कैसा भी होता है, अपने घर में नींद भी आ ही जाती है, चाहे बिस्तर कैसा भी होता है, घर के मालिक भी हम, घर के मालिक भी हम, नौकर भी हम, जिसका होता है अपना घर उसे भला क्या डर, जिसका होता है अपना घर उसे भला क्या डर। घर हमें सुरक्षा का एहसास कराता, घर हमें सुरक्षा का एहसास कराता, जब घर का कोई सदस्य पास होता, जब घर का कोई सदस्य पास होता, अपने घर में कैसे भी रहो मस्त, अपने घर में कैसे भी रहो मस्त, कैसे भी दिन देखे, कैसे भी दिन देखे, पर कभी नहीं हुए पस्त। हंस राज हंस कहता है सबका हो अपना एक घर, सबका हो अपना एक घर, जिसका सबके लिए, जिसका सबके लिए खुला रहे हमेशा दर, खुला रहे हमेशा दर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब।